बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आई एम एआर शेख, मास्टर गर्ल्स हाई स्कूल गिलगाम। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन क्या है? क्योंकि अंग्रेजी लैंग्वेज में हमें बहुत सारी साइंस दी गई हैं जो हम कोई पैरा लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। मसलन जब हम कोई पैरा शुरू करते हैं तो हमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जहां कहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जहां पे सेंटेंस खत्म होता वहां पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा वहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स होंगे तो वहां पे हमें इन्वर्टेड कॉमास बिगन एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने पड़ते हैं। तो इसी तरह जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमें यानी आई हमेशा हमें कैपिटल लेटर के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे मुख्तलिफ दो किस्म के पैरा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैरा ए पढ़ेंगे, आप जरा गौर से देखिए और सुनिए भी। वन डे वॉकिंग टुगेदर अप द हिल आई सेड टू रहीम, डू यू नॉट विश yourself in your own country again? Yes, he said. What would you do, dear? Said I. Would you turn wild and eat man's flesh again? He looked full of concern and shaking his head, said no. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पे ओ जो है स्मॉल लेटर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, होना चाहिए था कैपिटल लेटर यानी कैपिटल ओ, और फर्स्ट पर्सन आई जो है ये होना चाहिए था कैपिटल, लेकिन यहां पे है स्मॉल। इसी तरह यहां इस पैरा में कहीं पे ना इन्वर्टेड कॉमास है, कहीं कहीं पे फुल स्टॉप तो है, लेकिन यहां होना चाहिए था नोट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क, वो भी नहीं है। तो लिहाजा अब हम इस नॉन स्टॉप कहिए या अनपंक्चुएटेड पैरा कहिए, इसको हम पंक्चुएट करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिए, वन डे, तो यहां पे हम पैरा शुरू करते हैं तो ओ जो है ये कैपिटल आएगा, इसलिए हमने यहां कैपिटल ओ लिखा। तो वन डे वॉकिंग टुगेदर अप द हिल, यहां पे थोड़ा रुकना है तो कॉमा का इस्तेमाल किया है। तो ये फर्स्ट पर्सन है यानी स्पीकर जो है फर्स्ट पर्सन, तो आई कैपिटल, सेड टू रहीम, फिर स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स हैं तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमास हमने बिगन किए, और पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर के तौर पर इस्तेमाल किया। डू यू नॉट विश योरसेल्फ इन योर ओन कंट्री अगेन? तो हमने देखा ये सेंटेंस जो है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हमने यहां नोट ऑफ इंट्रोगेशन कहिए या क्वेश्चन मार्क कहिए इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर येस, तो इन्वर्टेड कॉमास बिगन और क्लोज, ही सेड, व्हाट वुड यू डू देयर, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया। फिर और हमने यहां शुरू किए थे पहले इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि ये स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स हैं यानी डायरेक्ट स्पीच है, तो यहां पे हमने क्लोज किया इन्वर्टेड कॉमास से। सैड, फिर आई जो है फर्स्ट पर्सन है और ये भी हमें कैपिटल यहां पे इस्तेमाल करना है, तो हमने किया कैपिटल आई, तो फिर फुल स्टॉप। फिर इन्वर्टेड कॉमास बिगन किए और पहला लेटर K
कैपिटल यानी डब्ल्यू कैपिटल, वुड यू टर्न वाइल्ड एंड ईट मैनज फ्लैश अगेन। तो हमें लगा ये यहां से वुड यू, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, तो लिहाजा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, तो इसलिए हमें यहां क्वेश्चन मार्क या नोट ऑफ इंट्रोगेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। और यहां हमने इन्वर्टेड कॉमास बिगिन किए थे, तो यहां पे हमने क्लोज किया इन्वर्टेड कॉमास से। फिर ही यानी ही का पहला लेटर यानी एच हमें शुरू करना पड़ा कैपिटल लेटर से यानी कैपिटल एच से। ही लुक्ड फुल ऑफ कंसर्न एंड शेकिंग हिज हेड सेड नो। तो यहां पे देखिए यहां हमने एंड पे एक तो पहले नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन इस्तेमाल किया और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो सेंटेंस हमें कोई खुशी या गम का इजहार करे, यानी जिस सेंटेंस में हमें खुशी या गम का इजहार महसूस हो, तो वहां पे हमें नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हमने यहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यहां लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए है। तो प्यारे बच्चों ये भी सुनिए गौर से और याद रखने की कोशिश कीजिए कि जहां पे हमें यस या नो आएगा तो यस भी, यस के बाद भी कामा लगता है और नो के बाद भी कामा लगता है। तो इस तरह से ऊपर वाला हमारा ये पहला पैरा पंक्चुएट हो गया। तो अब हम पार्ट बी यानी दूसरे पैरा की तरफ जाएंगे, तो देखेंगे यहां पे हमें कौन से साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, वेलकम ही सेड, बी सीटेड, नाउ टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर। आई केम टू कंसल्ट यू ऑन एन इंपॉर्टेंट मैटर सेड द विजिटर, कैन आई कन्फाइड इन यू, यस सर्टेनली रिप्लाइड ही। नाउ वी विल ट्राई टू पंक्चुएट दिस पैरा। तो देखिए यहां पे सीपी करके एक्चुअल वर्ड्स है, तो इन्वर्टेड कॉमास से हमें शुरू करना पड़ेगा यहां और पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो W कैपिटल, वेलकम, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन एंड क्लोज, ही सेड कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, बी सीटेड, नाउ फुल स्टॉप, क्योंकि यहां पे सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है। टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर। तो यहां हमने सेंटेंस शुरू किया तो टी कैपिटल, फिर यहां पे एंड हुआ तो यहां पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फुल स्टॉप, फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का शुरू मतलब शुरू करना है तो फिर यहां आई जो है हमें कैपिटल लिखना है। आई कैम टू कंसल्ट यू ऑन एन इम्पोर्टेंट मैटर, थोड़ा रुकना है तो कॉमा का इस्तेमाल और फिर इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड से आए हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हमने शुरू किए। सेड द विजिटर, फिर से फुल स्टॉप, और फिर देखिए फिर यहां पे सेंटेंस आता है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल हुआ है। कैन आई कन्फाइड इन यू, तो कैन जो है हेल्पिंग वर्ब, जब हम हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसलिए हमने पहले इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए और सी कैपिटल और लास्ट पे हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है। कैन आई कन्फाइड इन यू यहां पे क्लोज हुआ और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज हुआ। फिर से हमने इन्वर्टेड कॉमा शुरू किए,
क्योंकि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स है यस सर्टेनली रिप्लाइड ही, तो यहां पे फुल स्टॉप और यहां पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो इस तरह से हमने दोनों पैरा की पंक्चुएशन की। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस इन दोनों पैरा को गौर से देखिए, गौर से पढ़िए और देखिए कि किस तरह से ये दोनों पैरा पंक्चुएट हुए हैं। तो आप फिर खुद कोई पैरा लिखिए पंक्चुएशन के बगैर और उसको इसी तरह पंक्चुएट करने की कोशिश कीजिए और पंक्चुएशन की मशक कीजिए। थैंक यू।